किसान साथियों, ये जो बांस का पौधा है, ये 3-4 पौधे थे और कुछ पौधे पीछे की तरफ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। इस सितंबर में ये 2 साल के हो जाएंगे। जब मैंने ये पौधे लगाए तो मैंने केवल यहाँ पर एक हमारे यहाँ बर्मा होता है छोटा सा, जिसका के लगभग 4 इंच का डायमीटर होता है, और उसको खोद कर और वहाँ पर थैली रख दी थी। कोई खाद कुछ भी नहीं लगाया, और कभी कभार जब मेरे यहाँ खेत में पानी आता था तो इनमें पानी भी आ जाता था। जब मैंने इनकी बढ़वार देखी, ये देखिए, अगर इस समय हम इनमें क्लम्प्स गिनेंगे, इसको ना, ये जो बांस है इसके 2 नोड के बीच के हिस्से को क्लम्प कहते हैं, और इसको नोड कहते हैं जहाँ पर ये इसकी नई नई शाखाएँ निकलती हैं। तो आप ये देखिए कि कितने पौधे हैं इस समय। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पौधे अच्छे हैं, जिनमें से के ऐसे मोटे मोटे पौधे 2, 3, 4, 5 हैं जो असली में बांस हैं। ये पौधा अभी 2 वर्ष का नहीं हुआ, और इस वर्ष अभी 1-1.5 महीना पहले लगभग मैंने ये जो है ना, यहाँ पर ये नाली बनवाई थी, यहाँ से लगभग 4 फुट की नाली बनाई थी, जो मेरा एक्स्ट्रा पानी है अब इसमें छोड़ देता हूँ, और इसमें पानी चलता रहता है। जो खेत का कुछ घास फूस कचरा होता था उसे मैं इस प्रकार साइड में लगा देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए। और अब ये देखिए, आप यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। एक्चुअली में 1 वर्ष पौधे को एस्टेब्लिश होने में लगता है, जो पतली शाखाएँ होती है, जैसे वो वाली देखिए, वो उसको, ये वाली देखिए, ये बांस नहीं है, ये बांस को सपोर्ट करने के लिए है, अभी इसमें से बांस नहीं निकला। ये जो ये मेरा बांस है यहाँ पर, ये देखिए, ये एक्चुअली में बांस है, और जो जो पतले पौधे हैं अंदर की तरफ, वो मेरे इनके सपोर्टिंग है, जो जिनसे बहुत कम बांस मिलता है या बायोमास मिलता है। जैसे ही मैंने यहाँ नाली बनाई, ये पौधे लगाए तो मैंने नाली बनाई, और मैंने यहाँ पर थोड़ी मिट्टी चढ़ाई, और ये जो घास फूस है, ये देखिए, इसके आसपास जो लगाया हुआ है, अब इनमें अभी मैंने खाद नहीं लगाया, और आप देखिए कि पानी मिलने से इसमें कितने बांस निकल रहे हैं। ये देखिए, नीचे राइजोम डेवलप हो चुका है, जिसमें से ये बांस निकलते हैं। ये बांस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अभी 10 बांस निकलने के लिए तैयार हैं, और 9 बांस मेरे पास पहले से हैं, तो 10 बांस ये 2 साल में ऐसे इससे भी मोटे मोटे बांस बन जाएंगे अगले 2 साल में। यानी कि जब ये पौधा 4 वर्ष का होगा तो हमारे पास कम से कम 17-18 बांस होंगे निकालने के लिए। बांस एक घास है, ये सत्य है, लेकिन जहाँ घास होता है वहाँ बांस होता है, ये आधा सत्य है। मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, जो 3 वर्ष होने गए मेरे को सितंबर में होंगे, मेरा ये अनुमान है कि अगर इसे प्रचुर मात्रा में पानी मिलता है और ज़मीन अच्छी है आपकी, जिसमें मॉइस्चर बनी रहती है, तो ये बांस के लिए अति उत्तम ज़मीन मानी जाती है और अति उत्तम वातावरण माना जाता है। अगर आप देखेंगे कि बांस के लिए जो जहाँ पर सबसे अधिक बांस होता है, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है या कोंकण का एरिया है। पिछली कुछ वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इलाके में गया था। जब मैंने उन लोगों के बांस के जो बाग में गया, मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये बताया हो कि ये बांस मैंने इसमें से 1 एकड़ में से इतने बांस काटे हैं और मुझे इतनी आमदनी हुई है। कुछ जगह पर उनके जो बहुत अच्छे इसके ज्ञाता हैं, उनके यहाँ देखें, ये जो ये सूट निकल रहे हैं, ये जो हमारे बांस निकल रहे हैं, वो सूखे हुए थे। जब मैंने पूछा, वो कहते हैं ये हो गया, कोई दीमक आ गई होगी या नहीं होती। दीमक कभी भी किसान की शत्रु नहीं होती, वो मित्र होती है। तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर पानी की कमी है, और ये ज़मीन ये कर जरूर रहे हैं, ये बांस के लिए उतनी उत्तम नहीं है जितना कि हमारा गंगा जमुना के बीच का बेसिन है, या जहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत है, जहाँ कम है वहाँ इतना अच्छा बांस नहीं हो सकता। तो मेरे यहाँ जब ये चला तो मुझे लगा कि अगर मैं इसकी खेती करना चाहूँ तो मुझे ये मॉडल थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि गड्ढे खुदवाए 1-1 फीट के, मैंने एक रील भी दिखाई थी आपको, और उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा बोन मील मिलवाया, ट्राइकोडर्मा मिलवाया, सुडोमोनास मिलवाया, और वो मिलवा कर गड्ढा 1 फीट का कराया मैंने,
और फिर उसमें मिट्टी मिलाकर रखने के बाद मैंने थैली लगाई तो मेरे पौधे आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लगे हैं। ये लगभग अभी मैंने 1 से 1.5 महीना पहले ही मैंने ये सब काम कराया है। तो अगर आपके पास बाउंड्री है और आप बाउंड्री पर लगाना चाहते हैं तो बाउंड्री से थोड़ा हटाकर 3-4 फीट पर लगाएं और कम से कम 6 फीट ज़मीन छोड़ें। यानी आपकी बाउंड्री से जो 6 फीट पर अगर ये डोल होगी, ये मेड होगी, तो उसके बीच में 3 फुट पर आप बांस लगा सकते हैं। एक काम और करें कि वहाँ बांस थोड़ा निचाई पर लगाएं, थोड़ा सा खोद लें उसको पहले, क्योंकि जब बांस बनना शुरू होगा तो वो थोड़ा मिट्टी से भरकर और उसका करीब इतना अगर 0.5 फुट या 1 फुट हिस्सा भर जाएगा वहाँ पर, मिट्टी से भर जाएगा, तो उसके राइजोम बनने में बहुत सहायता होगी। और पानी इसको बहुत चाहिए, जितना इसे पानी दोगे उतना ही ये ज़्यादा चलेगा, ये मेरा अनुभव है। अब मैं आपको कुछ और बांस के पौधे दिखाता हूँ, आप ज़रा मेरे दूसरी तरफ को देखिए। पहले मैंने ये लगाए थे, ये भी पौधे मैंने लगभग उसके कुछ महीने बाद लगाए थे जो सामने दिख रहे हैं, और अब मैंने इसे पूरी बाउंड्री पर लगा दिया है। लगभग 200 पौधे के करीब मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ बालकुआं बांस के। ये मैंने नर्सरी डाली है, जो मेरे पास बालकुआं के पौधे थे उनकी कटिंग से मैं नर्सरी बना रहा हूँ। और ये मैंने नर्सरी 15 अप्रैल को डाली थी। आप देखिए कि लगभग सभी मेरे पौधे इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप देखिए कितनी अच्छे चल रहे हैं। ये 4 बेड हैं, 1, 2, 3 और ये मेरा 4। आप ध्यान से देखोगे ये जहाँ भी मैं पैर रखता हूँ कि ये कितने अच्छे इसमें जो है ना ये शूट चल पड़े हैं। सभी पौधे देखिए मेरे। ये कहा जाता है कि यह नर्सरी डालने का उचित समय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि उसे धूप ना लगे और प्रचुर मात्रा में नमी हो और सही तरीके से कलम का चुनाव हो और सही तरीके से लगाई जाए तो इसे आप 12 महीने आप इसे चला सकते हैं, सर्दी को छोड़कर, जिसमें मेरा कोई अनुभव नहीं है। मैंने कलम जो है इसको यहाँ पर ये 2 नोड ली, एक यहाँ पर है एक ज़मीन पर है, तो 2 नोड ली और नीचे वाली नोड में मैंने थोड़ा सा इसे रब करके घिस कर इस पर रूट हार्मोन लगाया था। और अब ये देखिए इसमें भी काफ़ी पौधे सक्सेसफुल हैं। ये देखिए ये चल पड़े हैं सारे, ये नहीं चला है, ये चल पड़ा है, देखिए ये चलने को तैयार है, ये नहीं चला है, ये चल पड़ा है, देखिए। तो इसमें मेरा लगभग 50% का सक्सेस रेट है जो मैंने इस प्रकार लगाई। ये रेत है, रेत में मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और कुछ नहीं मिलाया है। और मैंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था बहुत बारीक वाली भी, ये डंडी लगाई थी मैंने, कलम लगाई थी, लेकिन कलम अगर थोड़ी सी मोटी होगी तो आपके नर्सरी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं और इसे धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। ये मेरी बालकुआ की नर्सरी है जिसमें लगभग मैंने 200 पौधे तैयार करने की कोशिश की है। 2 बेड उधर हैं जो मैंने येलो वल्गरिस की इसी प्रकार नर्सरी बना रहा हूँ। ये सब मैं आपको 2 महीने बाद मैं इन्हें थैली में ट्रांसफ़र करूँगा और तब मैं दिखाऊँगा और ये भी बताऊँगा डिटेल में कि मैंने इनको किस प्रकार लगाया। किसान साथियों, ये जो मेरी नर्सरी है जिसमें मैंने बांस की नर्सरी डाली है, आम के भी पौधे हैं और कुछ अमरूद के भी पौधे हैं, ये इसका दक्षिण का हिस्सा है, इस साइड दक्षिण है। तो मैंने यहाँ पर एक नाली बनाई है और इस नाली में हर 8 फीट पर मैंने ये टुल्डा बांस लगाया है। मेरा जो उद्देश्य है ये है कि इधर से जब ये बड़ा होगा तो एक तो हवा से इसको सपोर्ट करेगा और इधर से नर्सरी में जो साउथ की धूप आती है, गर्मियों की भयंकर धूप होती है और जो बरसात की होती है वो इस तरफ नहीं जाएगी। इसी प्रकार मैंने ये जो ये साइड है, ये साइड पश्चिम साइड है और यहाँ पर मैंने डेंड्रोक्लेमस स्टेक्टिस जिसे लाठी बांस कहते हैं वो लगाया है, थोड़ा पास लगाया है। इस साइड जो है ये पश्चिम की साइड है, इधर से धूप बहुत जाती है, ये कपड़ा लग जाएगा कल यहाँ पर। और इसे भी मैंने इसीलिए लगाया है कि ये नर्सरी को सपोर्ट करेगा कि इधर से धूप मत बचाए। इस प्रकार मैंने अपनी छोटी सी जगह में अधिकतम जगह का इस्तेमाल किया है और आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि आप अतिरिक्त आमदनी किस प्रकार ले सकते हैं। आइए मैं अब आपको
अपना खेत दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने 6 वैरायटी के बांस लगाए हैं। किसान साथियों, ये मेरा 0.25 एकड़ का खेत है जिसमें मैंने 5 वैरायटी के पौधे लगाए हैं बांस के। इसमें बालकुआ नहीं है, बालकुआ मेरा बाउंड्री पर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये मैंने येलो वलग्रिस लगाया है, मैंने इसमें पॉलीमोर्फा लगाया है, न्यूटन लगाया है, डेंड्रोक्लमस स्ट्रिक्टिस लगाया है और ग्रीन वलग्रिस लगाया है। ये जो प्लांटेशन है ये मैंने अभी 3 दिन पहले किया है और इसमें मैंने 15x10 पर किया है। जो ये मेरा पौधा है ये पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट है और जो ये लाइन है इस लाइन से इस लाइन की दूरी, लाइन मैंने पूरा पश्चिम बनाई है, ये मेरी 15 फीट है। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता था, ये देखिए यहाँ से मैंने कुछ बांस भी काटे हैं, ये सितंबर में 3 साल के बांस हो जाएंगे। ये देखो, आप अगर ध्यान से देखो इसमें तो ये 2 बांस मैं काट चुका यहाँ से, देखिए कितने मोटे मोटे मैंने 2 बांस काटे हैं यहाँ से, और एक बांस इसमें पीछे से काटा है जो गिर गया था। जैसे ही आप बांस काटते हैं और इसमें मैं पिछले काफ़ी दिनों से पानी दे रहा हूँ तो आप देखिए कितने अच्छे इसमें सूट निकलने शुरू होते हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अभी भी आप देखो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बांस इसमें हैं जबकि 2 हम काट चुके। इसी प्रकार उस दूसरे पौधे को देखो, ये मैंने केवल इसमें कोई खाद कोई सही तरीके से नहीं लगाया था, मैंने बर्मे से छेद करवाया अपने बल्कि खुरपे से किया था उन्होंने और वहाँ पर पौधा रख दिया था। ये टिशू कल्चर का पौधा था। टिशू कल्चर को मैं अधिक रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि टिशू कल्चर के पौधे को आपको लगभग 1 साल तक अगर स्टडी करेंगे तभी आपको लगाना चाहिए। पौधा बीज का लगाइए या आप राइजोम से बना हुआ या आप कलम से बना हुआ लगाएंगे तो आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिलेगा। किसान साथियों, बांस से कितनी आमदनी होती है अभी ये एक रहस्य है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो फ़ोन पर देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आप मेरे फार्म पर आकर कभी भी मिल सकते हैं, मैं इसकी पूरी एक रिपोर्ट आपको बताऊंगा, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं ये निर्णय आपका होगा, आप पौधे कहाँ से लेते हैं ये निर्णय आपका होगा। अगर मेरे फार्म पर आएंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल में वो बातें बताऊंगा जो कि आपको अधिकतर लोग नहीं बताएंगे। मैंने इनमें से बांस काटे भी हैं और वो बांस मैंने जो अभी मैंने एक छोटे से उसमें सब्जी का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो वो चल रहा है, उसके लिए काफ़ी बांस मैंने अपने काम के लिए काटे हैं, बाकी मैं खरीद कर लाऊँगा। और यहाँ पर बांस की हमारे इलाके में बहुत अच्छी डिमांड है सब्जी वालों के लिए, क्योंकि सब्जी के लिए ये क्षेत्र बहुत अच्छा माना जाता है और हमारे यहाँ हर प्रकार की फसल होती है। किसान साथियों, ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति बांस पर, जो मैंने खुद लगाए हैं, काटे हैं, उनकी इकोनॉमिक्स देखी है, किस प्रकार चलते हैं, उसमें कितना खाद डालना चाहिए, ये करते हैं, ये सब जानने के बाद आपको बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।